तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश का संघ ने किया स्वागत। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मैंने काफी सारी डिटेल्स आपको बताई, जिसमें मुख्यमंत्री ने किस तरीके से कभी बहुत सारी चीजों पर यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, सबको इन प्रॉब्लम्स से अवगत कराया। और जो संघ है उसने भी इसका स्वागत किया है, जो निर्देश वगैरह जारी किए गए हैं कि अब सिर्फ टीचर्स का काम है यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्कूलों में, ना कि यहाँ पर जनगणना पे जाके यहाँ पर कौन कितना जनसंख्या है या फिर भेड़ बकरे गिनना या फिर बाकी सारे कामों में जाना, वो उनका काम नहीं है। उसके लिए सरकार कुछ अलग व्यवस्था करेगी और यहाँ पर टीचर्स का काम है सिर्फ पढ़ाना, तो वो सिर्फ पढ़ाने पर ही ध्यान देंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस घोषणा का स्वागत किया जिसमें उन्होंने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने का निर्देश दिया है। संघ का मानना है कि इससे राज्य की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। संघ के प्रदेश प्रमुख वक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और उपायुक्तों को मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को पठन पाठन के अलावा कोई और काम में लगाया जाए, राज्य के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करे, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ पठन पाठन के कार्य करने दे, इस निमित्त विभाग एक नियमावली तैयार करे। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि उपायुक्त जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करे। स्कूलों में अध्ययनरत उम्दा खेलने वाले विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराए, जो खेलने के साधन होते हैं, ठीक है, उनको उपलब्ध कराए। सरकारी विद्यालय में एक माह में एक दिन स्पोर्ट्स डे मनाने का भी आदेश उन्होंने दिया है। अहमद ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस घोषणा का अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री के आदेश से राज्य के शिक्षकों में व्यापक खुशी है। इस निर्णय से राज्य के गरीब छात्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में शिक्षकों के पठन पाठन का इस पर देखा जाए तो बेहतर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से यह अच्छी खबर निकल कर आ रही है और यहाँ पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी काफी अच्छी यहाँ पर राहत देखने को मिल रही है। जोहार।